हेलो गाइस, वेलकम टू द यत अनदर एपिसोड ऑफ द मेडिकल अड्डा, जहां पे हम अनबॉक्स करते हैं मैजेस्टिक मेडिकल वर्ल्ड को। गाइस, थैंक यू फॉर प्रीवियस वीडियो जो कि कैनुला के ऊपर में मैंने बनाया था, आईवी कैनुलेशन टेक्निक का कंप्लीट वीडियो, जिसके ऊपर में आपने 1 मिलियन प्लस व्यूज दिए हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो उसी का ही कंटिन्यूटी नेक्स्ट वीडियो है। गाइस, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में आप इस वीडियो पे आइए। गाइस, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप स्टेप बाय स्टेप आईवी कैनुलेशन के लिए एक लाइव डेमो वीडियो बनाइए, तो आज की वीडियो उसी के ऊपर में मैंने बनाई है, वो भी एक हॉस्पिटल एनवायरनमेंट को सेट करके जितना रियल लाइफ हो सकता उतना शो करते हुए बताया। गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आईवी कैनुलेशन अगर किसी पेशेंट पे फिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहली स्टेप होती है गाइस, आप पेशेंट का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कीजिए, पेशेंट को काउंटर क्वेश्चन कीजिए, उनके नाम और उनका सीआर नंबर, जो हॉस्पिटल आइडेंटिटी वाला जो भी नंबर होता है उससे उसको कंफर्म कीजिए। उसके बाद में आपको ट्रिप प्रिपेयर करनी है। ट्रिप प्रिपरेशन करने के बाद में वीडियो में आपको लाइव प्रोसीजर बताने वाला हूँ। प्रोसीजर को खत्म होने के बाद में जो भी बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको कैसे हम अच्छे से डिस्कार्ड करेंगे वो भी इसी वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही साथ कैनुला की कलर और फ्लूड को किस फ्लोरेट से हम देते हैं वो सब भी वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ट्रिप प्रिपेयर करने के लिए आइए देखते हैं क्या क्या सामान आपको जरूरी है। एक क्लीन ट्रे कंटेंट्स ऑफ टॉर्निकेट, माइक्रोपोर, डिफरेंट साइजेस ऑफ आईवी कैनुला विद नॉर्मल सलाइन फ्लश, क्लेव कनेक्टर, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग, 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल स्वैब, स्टेराइल ग्लव्स फॉर डिस्कार्डिंग द यूज्ड आइटम्स, वी नीड ए किडनी ट्रे, फॉर डिस्कार्डिंग शार्प आइटम्स वी नीड ए पंक्चर प्रूफ कंटेनर। Apply the tourniquet 2 to 4 inches above the puncture site. It should not be too tight. And always select the vein from distal to proximal region. Selected vein should be straight, soft, elastic and easily stabilized. After performing hand hygiene, you have to open the outer back of the gloves and keep it on the lid of the tray. After that, we have to open the alcohol swab. There is a tear on the back of the alcohol swab. We have to tear on that side. Keep it on the tray. After performing hand hygiene, and we have to wear gloves. Clean the site from center to periphery and let it air dry. We should follow ANTT technique, that is antiseptic non-touch technique. Should not touch the cleaned area. This is the holding technique of the cannula. First, you have to insert the cannula in a 10 to 25 degree angle for small superficial vein. If it is deep vein, should be assessed with longer catheter at a 30 to 45 degree angle. After insertion of the cannula, first see the backflow on the flashback chamber. Then slowly remove the stillet
then see the backflow on the catheter. Then advance the catheter. Remove the tourniquet. Apply digital pressure just above the tip of the catheter and remove the stillet and discard into the sharp container. Flush the catheter with normal saline. Cap the catheter. Discard the gloves and the kidney tray and perform hand hygiene again. Then take the transparent dressing. Apply the transparent dressing. Before apply the dressing, make sure the site is clean and dry. Moreover, immobilize the hand. In case of restless or pediatrics, seek assistance. Put the date and time over the transparent dressing.